नमस्कार, एक बार फिर मैं अनुराग श्रीवास्तव आपके सामने हूँ। आज मैं हूँ बहुत ही अनुभवी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नीतू राजवंशी, जो कि मेट्रो हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर में कार्यरत है। प्रेगनेंसी हर तरह से कहते हैं खुशियाँ लेके आती है, एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस प्रेगनेंसी तक पहुँचने के लिए बहुत से रास्ते में बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ती है। कुछ कठिनाई ऐसी होती है जिनका समाधान आसान होता है, कुछ कठिनाई ऐसी होती हैं जो आधी प्रेगनेंसी होने के बाद आपको पता चलती है, जिसमें आपके पास कोई उपाय नहीं होता। ऐसी कुछ बातों पर हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर नीतू राजवंशी से, जानेंगे उनके क्या सुझाव है, क्या उपाय है और किस तरह से उसे बचाया जा सकता है। बच्चा ना होने का एक रीजन कई बार ये भी होता है, ट्यूब पेटेंट नहीं होते हैं, ट्यूब ब्लॉक होते हैं आपके। तो इसमें दो तरह के मत आते हैं, या अगर आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे या गायनी सर्जन से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि आपके ट्यूब्स ओपन हो सकते हैं सर्जरी के थ्रू और उसके बाद आप नॉर्मली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वहीं एक आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो उनका कहना क्या होता है कि 60-70% टाइम्स ऐसा होता है कि आपके ट्यूब्स की सर्जरी हो जाएगी, फिर भी देयर आर चांसेस कि आप फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। जी जी, तो आपका इस पे क्या रुख है? मैं बिल्कुल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के फेवर में ही जाऊंगी। एक्चुअली ट्यूब क्या होता है, एक पतला सा पाइप। पाइप को हम कहीं पे भी दबा दें, पाइप को किसी भी जगह दबा दें तो एक चीज इधर से आ रही है, एक चीज इधर से आ रही है, दोनों में मिलान कभी नहीं हो। किसी भी कारणवश अगर वो ट्यूब में ब्लॉक है तो एक फिजियोलॉजिकली कभी भी बच्चा नहीं रह सकता, क्योंकि अंडे का और कीटाणु का कभी भी मिलान नहीं होगा, उसके लिए ट्यूब की पेटेंसी होना जरूरी है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, जो है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, बच्चेदारी की जो टीबी है, ये कॉमनेस्ट कॉज है नल बंद होने का, ट्यूब बंद होने। और जहाँ तक आपकी जो सर्जरी की जो बात है, डेफिनेटली सर्जरी अपने आप में 100% क्योरेबिलिटी नहीं है। चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बोल रहा है, किसी भी चीज़ की अपनी एक परसेंटेज होती है। आई एम होप फॉर द इनफर्टिलिटी की 60-70% चांसेस होते हैं कि वो प्रेगनेंसी हो जाए और 30-40% चांसेस होते हैं कि वापस है, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हैं चांसेस वापस होते हैं वो ट्यूब वापस से बंद हो जाए। तो इसमें क्या ट्यूब में जो ब्लॉकेज है उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, किस एरिया में ब्लॉकेज है, कितना लंबा ब्लॉक, जितना ज्यादा, जितने ज्यादा बच्चेदारी के पास ब्लॉक रहेगा, जितना प्रॉक्सिमल रहेगा, जितना बच्चेदारी के पास ब्लॉक होगा या जितना लंबा ब्लॉक होगा उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ इनफर्टिलिटी। तो ये कॉइल ट्यूब भी होते हैं कुछ की, वो क्या होता है? कॉइल ट्यूब होता है बच्चेदारी की जो ट्यूबरक्लोसिस होता है टीबी में, उसमें क्या होता है बच्चे हो जाती है, इसमें जितना ज्यादा कॉइल होगा उतनी ज्यादा इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीतू, काफी कुछ आपसे जानने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी काफी इस चीज की जानकारी मिली होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में और किस हद तक उपाय है, उसके संभव है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर सामने आई है कि अगर कोई भी ऐसी आपको सिम्टम नजर आता है जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, चाहे वो महावारी हो या प्रेगनेंसी हो या कोई और प्रॉब्लम हो, राधा दिन की किसी वैद, हकीम या घरेलू नुस्खे अपनाएं जो कि आगे की आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकता है, उससे अच्छा यह है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक प्रॉपर ओपिनियन लें उससे जाके और समझें कि इसके क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या उपाय हैं, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो उपाय सर्जरी ही हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर नीतू ने बताया कि मेडिकली मैनेज हो सकती है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। बेस्ट वे, गो टू योर डॉक्टर, मीट हर, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड गो अहेड विद इट। थैंक यू डॉक्टर नीतू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।